वैसे बोलो जैसा है। चलिए एक बार इनके लिए जोरदार क्लैप श्रीधर के लिए। ठीक है, तो अभी आज हम क्या क्या सेक्शन देंगे थोड़ा सा बताइए। पावर की और टच पैड, टच काम नहीं करता। तो पावर की में कितने सेक्शन देखे? तीन। और टच में? टच में भी तीन अलग अलग मॉडल्स देखे हैं अपन, है ना। तो सबको समझ में आया क्या इसमें? अच्छा, प्रॉब्लम आ जाए, पावर की लाइन ब्रेक हो जाए, शॉर्ट हो जाए या ओपन हो जाए, बना सकते? बेसिकली क्या होता है, लाइन ओपन होती है या तो शॉर्ट होती है। अगर दोनों भी अगर कंपोनेंट से प्रॉब्लम नहीं है तो मेन किससे प्रॉब्लम रहता है? अच्छा, आईसी की बात करें तो सब निकाल के लगा सकते हैं, चाहे पेस्टेड हो, ब्लैक पेस्टेड हो, किसी को डर तो नहीं है? हाँ, फोन फिक्स के स्टूडेंट को तो नहीं होना चाहिए डर, क्या भाई है तो नहीं ना किसी को? आवाज नहीं आ रही किसकी भी, जोर से आवाज आना है। तो अभी क्या सेक्शन है हमारे पास श्रीधर? ये टच का सेक्शन है। तो इसमें कितने सप्लाई आती है जनरली, जो यूनिवर्सल सप्लाई है थोड़ा सा बताइए। अभी सर इधर से हमको पावर से आ रहा है, वीरग आ रहा है, ठीक है, वीरग इनपुट आ रहा है, और ये दोनों लाइन पहले ये बताओ, वीआरईजी जो लाइन है पावर से आ रहा है, आप कैसे बोल रहे हैं, कैसे मालूम चला आपको? क्योंकि इधर एलडीओ है, एलडीओ लाइन से क्या है, एलडीओ कितने एलडीओ से आ रहा है वो? एल टेन कहाँ से आ रहा है? L10. अच्छा, आपने वो ये एक सप्लाई देख के, नाम देख के आप कौन से एसी से आ रहा है बोल सकते? जितने भी सेक्शन अपन पढ़े, चाहे चार्जिंग सेक्शन की लाइन हो, चाहे लाइट की लाइन हो, चाहे ग्राफिक के हो, चाहे वीएसपी वीएसएन है या वी बस है या एनोड हो गया, कैथोड हो गया या पीडब्ल्यूएम हो गया, या जैसा ये वीआरईजी लाइन है, L10 से आ रही है, L4 से आ रही है, L5 से आ रही, कितना वोल्टेज आ रहा है, ये आईसी का नाम बोल सकते हैं आप देखते कि? पहले मालूम था क्या आपको? नहीं, एक आईसी की सप्लाई का नाम देख के आप डायरेक्ट कौन सी आईसी से आ रहा है ये बोल रहे अभी? कहाँ सीखे? फोन वीक में। समझ में आ रहा है सबको? ठीक है, तो यहाँ पे आपका वीआरईजी L10 से 2.8 जो वोल्टेज आ रहा है, कहाँ से आ रहा है? सर ये पावर से आ रहा है। कितना वोल्टेज आ रहा है? 2.8। ये किस चीज के लिए है भाई? सर ये वोल्टेज के लिए। क्या काम के लिए? मेन टच को चलाने के लिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए। सर इधर से वोल्टेज पावर आईसी से 4.4 के लिए आ रहा है, 4 नंबर पिन पे आ रहा है। ठीक है, ये दो आईटीसी लाइन है वो हमको सीपीयू से मिलता है। ठीक है, आईटीसी में क्या क्या लाइन है? एससीएल, ओके, और एक है एसडीए, एसडीए 1.8। ठीक है, एसडीए और एससीएल का क्या है, फुल फॉर्म क्या है बताइए? वो क्लॉक है, एससीएल सीरियल सीरियल सिग्नल वाइज क्लॉक, सीरियल क्लॉक, और एसडीए सीरियल डाटा। ठीक है, और ये हमारा एक का पिन, और 5 का और 8 का और 10 का, दो चारों पिन हमारा ग्राउंड के लिए, 6 नंबर भी, 6 नंबर भी, हाँ पूरा ग्राउंड के लिए। ठीक है, और हमारा ये 9 पिन में आ रहा है रीसेट लाइन, रीसेट लाइन, ठीक है, रीसेट लाइन 1.8। ठीक है, और एक आ रहा है टिप को एनटी आईएनटी लाइन, वो भी 1.8। कहाँ से आ रहा है ये? सीपीयू से आ रहा है, सीपीयू से आ रहा है। ठीक है, वेले एक्चुअल में आपका थोड़ा हिंदी प्रॉब्लम है, क्योंकि आप कहाँ से है? बेंगलुरु से है, हिंदी बात बिल्कुल नहीं आता है, लेकिन फिर भी ये कोशिश कर रहे हैं। एक बार इनके लिए जोरदार क्लास कर दीजिए। तो श्री ये बताओ, पहले आप आए थे, ऐसा सर्किट समझ में आ रहा था क्या आपको? नहीं, पहले फिर कब से काम कर रहे थे आप? लगभग 6 साल से कर रहा हूँ। 6 साल से कर रहे थे, डायग्राम वगैरह कुछ समझ में ऐसा आता नहीं था होगा? सेल से ज्यादा फोकस किया था, सर्विस में उतना नहीं था। सेल्स में थे? हाँ सर, सेल्स में। अभी क्या क्या काम कर सकते हैं आप मोबाइल में, जो यहाँ ट्रेनिंग पे आने के बाद? आप अभी वो चार्जिंग सेक्शन देख सकते हैं? नहीं, प्रैक्टिकल और थ्योरी की बात कर रहा हूँ। प्रैक्टिकल में क्या क्या कर सकते हैं? प्रैक्टिकल में पूरा रिबलिंग कर सकते हैं, नॉर्मल पेस्टेड, ब्लैक पेस्टेड, अभी डबल डेकर भी दिखा दिया, आज डबल डेकर भी करवा लगा। ठीक है, तो आईसी लगाने निकालने के सीखने के लिए तो कहीं जाने की जरूरत नहीं है? नहीं, नहीं, अगर बात करें डायग्राम की, तो डायग्राम सीखने कोई दूसरा इंस्टीट्यूट ज्वाइन करना पड़ेगा क्या आपको? बिल्कुल नहीं। हाँ, अच्छा ये तो नहीं, आप सबसे पूछ रहा हूँ भाई, कहीं और जाके सीखने की जरूरत है क्या आपको? हाँ, जरूरत तो नहीं है ना? ठीक है, एक बार इनके लिए जोरदार क्लैप्स कर दीजिए। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। और इसके आगे के सप्लाई, आप बैठ जाओ, इसके आगे कौन आते वही? दिनेश आओ। इसके आगे दूसरी सप्लाई जो के टच में और एक्स्ट्रा सप्लाई हो सकती है, सबको मालूम है? जैसा ये तो अभी इन्होंने 6 सप्लाई एक्सप्लेन करे, इसके अलावा और कौन से आ सकते हैं? किसको मालूम है? सर
सबको मालूम है और सप्लाई कंफ्यूज तो नहीं हो गए? अरे छह सप्लाई यूनिवर्सल, हर कोई कितने सप्लाई बताते हैं? पांच छह ही बताते हैं, लेकिन और कितने आ सकते हैं? और तीन भी आ सकते हैं, ठीक है। ये कौन बताएंगे? दिनेश का। दिनेश कहाँ से है तुम? मुंबई से, मुंबई महाराष्ट्र से। आप भी फ्रेशर थे क्या? थे पहले से काम कर रहे थे? पांच साल से काम करता था, लेकिन इतना कुछ ज्यादा पता नहीं था सर। अच्छा, अभी डायग्राम का नॉलेज हो गया आपको, सर्किट का? कहीं और सीखने की जरूरत तो नहीं है डायग्राम? अच्छा, दूसरों को सिखा सकते हैं कि नहीं सिखा सकते? पूरों को, ठीक है। चलिए और लाइन बता लो एक्स्ट्रा क्या क्या है भाई इसमें? VIO, हाँ, ठीक है। और बैकअप है 1.8, ठीक है। आईडी लाइन है 1.8। अच्छा, ये कहाँ से आते हैं, कितना वोल्टेज आता है, सबको मालूम है? क्योंकि मैं वीडियो में यहाँ नहीं बताया, हाइड कर दिया, समझ रहे? क्योंकि आप लोग उतनी दूर से आए, यहाँ सीख रहे हैं। वीडियो में बताया तो बर्थडे वाले देख लेते, इसलिए थोड़ा सा हाइड कर दिया हमें। तो दिनेश, पहले क्या तुम ये लाइन चेक करते थे क्या कभी? नहीं सर, मुझे सर बताओ भाई, जो 8 साल 10 साल से काम कर रहे थे, हाँ, नहीं करते थे ना? चेक करते थे, मगर ये लाइन नहीं बोल के नहीं मालूम, नहीं मालूम था। और कहाँ से आती है, कितना वोल्टेज आता है, समझ में नहीं आता था। ठीक है, तो अब ये चाहे 6 पिन का आने दो, 7-8 पिन का आने दो, बना सकते हैं सब लोग? हाँ, ठीक है। एक बार दिनेश के लिए जोरदार क्लैप्स। अब एक देखते हैं, एक सैमसंग का हैंडसेट। आप ही आ जाओ भाई, आमिर पाशा आओ जल्दी। क्लैप्स इनके लिए। महाराष्ट्र परभणी, नाम ही याद हो गया, इतने कॉल किए थे मुझे। चलिए भाई, इसमें सैमसंग का हैंडसेट है, कितने पिन का कनेक्टर है थोड़ा सा बताइए? 33 पिन का है। 33। क्या मॉडल है ये? ये A50S। लेटेस्ट है ना, वे रनिंग मॉडल ही है, ठीक है। तो इसमें कुछ अलग दिखा क्या आपको? सब पे सेम ही दिखा ना आपने, लगभग सब सेम ही है, ठीक है। चलिए, इसमें अगर 40 पिन का कनेक्टर आ जाए, जैसे कल भी बताया था हमें नोट 8 प्रो का डायग्राम खोल के, 40 पिन का 50 पिन का कनेक्टर है, तो आपको टच के लिए कौन सी सप्लाई है, लाइट के लिए कौन सी है, ग्राफिक के लिए कौन सी है, सब लोग अलग कर सकते हैं? कन्फ्यूज तो नहीं हो जाते? सबको पता है लाइट के लिए कौन सी सप्लाई आती है, चाहे कोई भी मॉडल आ जाने दो, लेटेस्ट का लेटेस्ट मॉडल कोई भी, टच की सप्लाई, ग्राफिक की सप्लाई, और क्या रहता है साथ में, लाइट, बैक लाइट, तो तीनों का अलग कर सकते हैं? कंफ्यूज तो नहीं हो जाते? बताओ भाई। चलो ये यहाँ पे देख सकते हैं कितने पिन का है भाई कनेक्टर, 34 है, नीचे भी ग्राउंड है, 35 तक है, 36, 38, 38 तक है। चलिए, इसमें टच की सप्लाई कैसे कैसे पहचानेंगे टच की सप्लाई, थोड़ा सा बोलिए। क्या लिखा होगा? टीपी नहीं होगा तो सी सी टी पी, क्या है? चलिए बताइए कहाँ कहाँ पे है भाई? ये एक आई एन टी, क्या है लाइन? कहाँ से आती है, कितना वोल्टेज होता है मालूम है? ठीक है, बताना नहीं है अपने को, आए बाद में बताएंगे, ठीक है। दूसरा कौन सा है? एस सी एल बोले तो क्या रहता है ये? क्लॉक, सीरियल क्लॉक। कौन सी सप्लाई को प्रोटोकॉल क्या बोलते हैं? सीरियल क्लॉक। कौन सा प्रोटोकॉल? ठीक है, टाइमिंग तो है, उसको क्या बोलते हैं? SPI है, I2C है, UART है, क्या है? I2C, क्या बोलेंगे? I2C, इंटर इंटीग्रेटेड सर्किट, ठीक है। चलिए, और थैंक यू संतोष, ठीक है। और बताइए, SDA सर? SDA बोले तो क्या रहता है भाई? सीरियल डाटा। ये कहाँ से आता है पता है सबको? चलो ठीक है। और VDD, क्या है? VDD, TSP, कितना वोल्टेज है? 3.0। अच्छा, 3.0 नहीं रहा तो कितना रहेगा? 2.0। अच्छा, 2.0। अच्छा, ये लाइन अगर से शॉर्ट आ रही है आपकी, या फिर लाइन पे वोल्टेज नहीं आ रहा, तो क्या करेंगे? ये क्या करेंगे? कैपेसिटर। क्या नंबर का है? चलिए, ये लाइन आ कहाँ से रही बताओ जरा सा आमिर, बताइए, चेक करके बताओ कहां से आ रही। इधर, वेरी गुड, आगे 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 आगे, ठीक है। कहां से आ रही भाई? हाँ, डायरेक्ट पावर ऐसी निकालेंगे क्या? बीच में 4 लाख का मेहमान भी रहता है क्या?
पहले इनको देखने का है। तो इसमें चार बॉल है, कितने बॉल है? चार बॉल है। आप ही बताओ एक नंबर चार नंबर पे क्या आ रहा है? थोड़ा सा जूम कर, सर वेरी गुड, थोड़ा जूम कर देंगे इसको। चलो बताओ भाई क्या आ रहा है? नंबर पे वी बैट आ रहा है। वी बैट सिक्स, बैट सिक्स सैमसंग में क्या बोलते हैं? अच्छा मीडिया टेक कॉल कम है, दूसरों में क्या बोलेंगे? वीपी वीपीएच। कितना वोल्टेज कहाँ से आता है? कहाँ से आता है वीपीएच? कहाँ कौन जनरेट करती है? बोलो भाई। तो यहाँ सैमसंग में नाम अलग रहे तो कुछ कंफ्यूज तो नहीं हो जाओगे? हाँ नहीं होगा। चलिए पहले यहाँ पे आ गया वी बैट, उसके बाद दूसरा क्या चाहिए इसको? ग्राउंड चाहिए। क्या चाहिए? जब पॉजिटिव सप्लाई मिली तो साथ में नेगेटिव भी चाहिए, तो नेगेटिव में क्या आएगा? ग्राउंड। तो ये एलडीओ जो 3.0 निकालेगा कब निकालेगा? जोरदार थाली हमें अवैत के लिए भाई। कब निकालेगा ईएन? कब आता है सीपी एक्टिव? कब होगा मोबाइल ऑन? कब आएगा? बंद करके तो नहीं चेक करते? अरे सर 3.0 नहीं निकाल रहा, एलडीओ चेंज करना क्या? कब निकालेंगे भाई? ऑन करने के बाद कितना आएगा? तो एलडीओ जो होते हैं सिर्फ 3.3 निकालते हैं कि और भी चेंजेस आते हैं अलग अलग? क्या क्या आते हैं? और तो एलडीओ का मैं पूरे पिक्चर्स भी डाला, आपको डायग्राम भी बनाया, आप लोग सबके पास है ना? हाँ तो ये हमारा मेन वोल्टेज हो गया है। ठीक है चलिए बैक जाइए वापस कनेक्टर पे, वापस आ गए। तो और कुछ है क्या यहाँ पे सप्लाई बता दो टीपी की? नहीं है ना इधर? अब जैसा कि यहाँ पे आईएनटी लाइन है, क्या है? आईएनटी दिख रहा है यहाँ पे? तो आईएनटी की लाइन में क्या क्या लगा है थोड़ा सा बताइए। इधर से कर लो, इधर ही कर लो आप, मैं उधर ले लेता हूँ। क्या लग के कैप है? क्या क्या नंबर का है भाई? 7075 7075। सब ढूंढ सकते हैं, ये बोर्ड में कहाँ है? चलो थोड़ा सा बता दो आप ही, बोर्ड में कहाँ लग, क्योंकि ये शॉर्ट हो गया तो हमको निकालना है, चेक करना पड़ेगा ना इसको। तो बोर्ड में कहाँ लग के देखना है, तो क्या करेंगे यहाँ पे सीधा ऊपर जाएंगे और क्या डालेंगे? और एक बार नेक्स्ट करिए, किधर दिख रहा भाई बताओ? C70 देखो इधर ही होगा, यहाँ पे देखो C7 की सीरीज है 70। हाँ थोड़ा इधर छोटा करो, यहाँ 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 दिख रहा? कहाँ दिख रहा भाई? जरा उसको मेटो, चलो इसे बोर्ड को मेट, वो मेरे वो रहने से नहीं दिख रहा। तो कहाँ लग के ग्रीन कलर दे रहा है? क्या दे रहा है? हाँ ग्रीन कलर दे रहा है, तो यहाँ पे शायद नहीं होगा ये। ठीक है चलो और क्या है भाई एंटी लाइन में ऊपर क्या है? क्या नंबर का है? 7002। चलिए कहाँ है ढूंढ के बताइए, कितना वोल्टेज आ रहा है ये? तो ये जो रजिस्टर है इसको बोलते हैं पुल अप रजिस्टर। क्या बोलेंगे? पुल अप रजिस्टर। क्या नंबर है? कहाँ पे दे रहा? वही बिल्कुल कैपेसिटर के ऊपर, यहीं पे दे रहा है ना? तो डायग्राम में कंपोनेंट ढूंढने सबको आ रहा है, लाइन का नाम पता है कौन सी है हर सेक्शन के हिसाब से। अच्छा एक कल के दिन कोई एक नया मॉडल आ जाए चार्जिंग एसी कौन सी है नहीं मालूम, तो हम सब ढूंढ सकते हैं? कनेक्टर को पकड़ के, हमारी सप्लाई को पकड़ के हम ढूंढ सकते हैं। उसी तरह से लाइट आईसी, ग्राफिक, ऑडियो आईसी, रिंगर आईसी हो गई, या टच की सप्लाई कहाँ जा रही, तो मतलब डायग्राम रीड करने सबको आ रहा है? बताओ भाई सब रीड कर सकते हैं ना? तो यहाँ पे हमारा टच का पूरा हो गया प्रॉब्लम, तो टच में कुछ प्रॉब्लम आए तो सब लोग रिपेयर कर सकते हैं ना? पावर की सप्लाई ब्रेक हो जाए तो सब बना सकते हैं? एक नया सर्किट भी देखे हमने है ना, नया सर्किट जिसमें सीरीज इन डायोड था, पहले कभी देखे क्या ऐसा आपने? बताओ भाई नहीं देखे ना? सब लोग डायग्राम बनाए, थोड़ा सा डायग्राम्स खोलो जरा, पावर के बताओ, टच के बताओ जरा। ठीक है इनके लिए एक बार जोरदार क्लैप्स कर दो भाई, थैंक यू वेरी मच। सर ये मैं कल डायग्राम बनाया था। क्या है भाई? डिस्प्ले ग्राफिक का बनाए, वेरी गुड, अच्छा बनाए। और क्या बनाए इधर? पहले के बनाए सो है। ठीक है वेरी गुड, आप क्या बनाए भाई? ठीक है ये
मुनीर महाराष्ट्र, ठीक है, अच्छा बनाया आप, वेरी गुड। एज अंसारी, अच्छा अंसारी ये बताओ ये कॉपी तो नहीं कर लिया? नहीं। अच्छा मैं पूछूं तो बोल सकते हैं, इसमें MIPI लाइन किस तरफ आ रहा आपको? MIPI जो डुअल कॉइल रहते हैं, पांच कॉइल्स हमारे CPU से आ रहे हैं, ठीक है। अच्छा VSP VSN जो आ रहा है वो कहाँ से आ रहा है? ग्राफिक आईसी से। देखिए देखिए फ्रेंड, जैसा आप देख सकते हैं कितना अच्छा इन्होंने डायग्राम बनाया है, और वन टाइम आप ये बना लोगे तो सब में इसी तरह से होता ना भाई, तो ये आपको बनाना चाहिए कि नहीं बनाना चाहिए? कि किसी को लग रहा होगा ये क्या कॉपी पेन लेके बैठे हैं, तो सुबह से शाम तक कॉपी पेन लेके यहाँ बिठाते क्या आपको? ये डायग्राम कहाँ बनाते आप लोग? कहाँ बनाते? यहाँ पे दिन भर क्या करते आप लोग? प्रैक्टिस करते ना भाई, क्योंकि देखने वालों को लग रहा होगा ये क्या कॉपी पेन की क्लास है, तो कॉपी था मोबाइल बनाने के लिए ये जरूरी है कि नहीं आप लोग बताओ? आप तो सालन से काम कर रहे हैं, बताओ ये जरूरी है कि नहीं है? नहीं, खाली असेंबली में बैठने से होगा क्या? वहाँ बैठ के करना क्या है यही सीखना है आपको, है ना भाई? ठीक है, और क्या बनाए आप? अच्छा बनाए, वेरी गुड। ठीक है, चार्जिंग सेक्शन, लाइट सेक्शन बनाए, ठीक है। आपका भाई पावर सेक्शन बनाए, और क्या बनाए? टच का बनाए, ये एक्स्ट्रा लाइंस वाला, ठीक है। आप ये क्या है? ग्राफिक, ठीक है। थोड़ा और बताइए आपके डायग्राम्स। सर अभी और है, बाद में करेंगे। ठीक ठीक है, अच्छा बनाए, वेरी गुड। पूरा बुक फुल हो जाना है जाने तक। ओके सर, ग्राफिक का है, ठीक है। ये तो 12 बॉल आईसी, 12 बॉल लाइट आईसी, लाइट आईसी का है, ठीक है, अच्छा बनाए, वेरी गुड। 6 बॉल लाइट आईसी, 6 बॉल लाइट आईसी, ठीक है। श्रीधर ये कहीं कॉपी तो नहीं कर लिए? नहीं सर। समझ के बनाए ना, आपको कौन सी लाइन कहाँ आ रही, कितना वोल्टेज आ रहा है और कब आना चाहिए, पता है ना? ठीक है। और भाई नेपाल राहुल बताओ, अच्छा बनाए, वेरी गुड, वेरी गुड, ठीक है। चार्जिंग आईसी, ठीक है। सेंसिंग सर्किट, ठीक है। क्वालकॉम BQ आईसी, ठीक है। LDO का, ठीक है। ठीक है, बैटरी आईडी, बैटरी थर्मल, ठीक है। फ्यूल गेज आईसी, नौ बॉल, वेरी गुड, जबरदस्त। राहुल तुम नेपाल से इतनी दूर आए, समझ में आ रहा जो आए? हाँ, आप बहुत अच्छा बना रहे हो, ये कॉपी तो नहीं कर रहे कहीं से? समझ के बनाए कि कॉपी कर लिए? समझ के बना रहे हो, मतलब मोबाइल आए तो रिपेयर कर सकते ना? इतना जब आप डायग्राम बना रहे हो 100% आप रिपेयर कर सकते हैं मेरे हिसाब से, क्योंकि ये समझने के बाद ही बनाए ना आप, ठीक है, वेरी गुड। हैदर अली आप भी नेपाल से, ठीक है, बताओ क्या क्या बना दिया आप? ठीक है, ठीक है। LDOs वगैरह बनाए, लाइट आईसी, ठीक है। 12 बॉल आईसी, ठीक है। ग्राफिक सेक्शन, ठीक है, ठीक है, वेरी गुड। आपका सब कुछ कर रहे हैं, मेहनत रात को। 12 बॉल का बनाए आप भी, ठीक। D8 का बनाए, ठीक। तुम क्या बनाए भाई? ठीक है, आपका सर बैटरी आईडी लाइन, ठीक है। बैटरी आईडी, बैटरी थर्मल, ठीक है। फ्यूल गेज, ठीक है। लाइट आईसी 6 लग का, ठीक है। 12 बॉल का भी बना दिए, ठीक है। ठीक है, ये तुम बना रहे हो इतना अच्छा, रात में कितने बज जा रहे हैं? एक दो बज जा रहे हैं, तो ऐसा बोर तो नहीं हो रहे बनाने में? इंटरेस्ट आ रहा है, तो डायग्राम भी बना रहे हैं और साथ के साथ तुम हैंड स्किल का काम भी कर रहे हैं, दोनों कर रहे हैं ना? कोई खाली खाली लिखा रहे तो नहीं यहाँ पे बिठा के? इधर सर प्रैक्टिस करता है, आठ साल में हम ड्राइंग बनाते हैं। ये ड्राइंग रात में बना रहे हैं, ठीक है। चलो एक बार इनके लिए क्लैप्स भाई, जोरदार, बहुत पहले सबके लिए ये क्लैप्स है। और आप लोग नहीं बना रहे? अच्छा, आप तो देखने के लिए आए, क्या आज क्या डेमो क्लास लेने आए? आज पहला दिन ही से आपका, ठीक है। समझ में आ रहा आपको कुछ? कहाँ से आया?
कर्नाटक गुलबर्गा से है, ठीक है। बताओ भाई अच्छा बना, वेरी गुड। उसका बता दे रहा हूँ। ये तुम बनाए क्या? तुम बनाए मैच बनाए बुक छोड़ के इसका बुक कॉपी कर लेंगे। तुम कहाँ से है वेंकटेश? विजयवाड़ा। विजयवाड़ा एटला उन्दी ट्रेनिंग अर्थ में दे दी है मैंने डायग्राम लोनी हैंड स्किल एट हैंड स्किल मंच ना ये बना इधर ट्रेनिंग की आना चाहे तो क्या बोलोगे? హ్యాండ్ స్కిల్ బాగుంది ప్లస్ చెప్పే విధానం బాగుంది అంత అంటే ప్రెజెంట్ ఏదైనా కానీ డయాగ్రామ్ కానీ పోర ఎక్స్ప్లెయిన్ చాలా బాగుంది ठीक है। एक काम करो, अभी एक ऑन मोबाइल निकालो, 15 मिनट्स है, टच की सप्लाई सब लोग लाइव चेक करो, ठीक है। उसके बाद लंच जाके आना और आने के बाद पावर की ट्रैक भी चेक करना, कहां तक? टिप से आईसी के अंदर तक, आईसी उठा के आईसी के अंदर तक देखना है अपने को, चाहे वो कोई भी मॉडल रहने दो, ठीक है। उसका फिर डायग्राम भी बना लेना साथ में। चलिए, थैंक यू वेरी मच।